हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर फॉर क्लास 11th एंड 12th। क्लास 12th में चैप्टर 6 चल रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग डीएनए के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर ये सब कैसे होता है, ठीक है, वो इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में ये सारे चीज पढ़ना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या था, मेंडल ने बहुत सारे ट्रेड्स दिए थे, कैरेक्टर दिए थे, ठीक है, कि पेरेंट्स के कुछ पेरेंट्स मेल और फीमेल के कैरेक्टर से बच्चे में क्या होंगे, वो कैरेक्टर डेवलप करेगा जीन के थ्रू, ठीक है। तो वो सारे जो है वो प्रिंसिपल था, ये मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये है हमारा जो है ये चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इंट्रोडक्शन क्या है, देखो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सिक राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिऑक्सिक राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन अ लिविंग सिस्टम। दो तरीके के क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड है, एक होता है डीएनए और दूसरा क्या होता है आरएनए। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डीएनए जो है वो जेनेटिक, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, कौन डीएनए है, ठीक है। आरएनए थ्रू इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल सम वायरस लाइक अ टीएमवी क्यूवी बैक्टीरियोफेज but most functions as a messenger adapters structural and catalytic molecular। देखो डीएनए का अगर बात करें तो डीएनए क्या करता है, तो डीएनए जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अगर वहीं आरएनए का बात करें तो आरएनए जो है वो वायरस का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरस का नाम दिया हुआ जैसे टीएमवी है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज है, ये सारे में जो मोस्टली जो फंक्शन इसका क्या है, इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है, एडेप्टर का काम करता है। डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सिक राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। देखो डीएनए जो है वो लॉन्ग पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का ये क्या है, लॉन्ग पॉलीमर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर न्यूक्लियोटाइड इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनिजम्स। अगर इसका लेंथ का, अगर इसका क्या बोलते हैं, लेंथ डीएनए का, अगर लेंथ का डिफाइन करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे वो सारे करेक्टर होगा, किसका, ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर होंगे। जितना न्यूक्लियोटाइड्स होगा उतना ही क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है, नंबर ऑफ डीएनए होगा। देखो ये ऑर्गेनिज्म है और वो डीएनए कंटेंट है, कितना कितना डीएनए कंटेंट है। अगर बैक्टीरियोफेज का बात करें तो पाई इंटू 174, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है, इसमें डीएनए कितना कंटेंट है, तो 5386 न्यूक्लियोटाइड है, इतना न्यूक्लियोटाइड इसमें क्या है, प्रेजेंट है। अगर एक बैक्टीरियोफेज का बात करें तो उतना न्यूक्लियोटाइड है, ये टेबल है, ये टेबल जो है वो लर्न कर लेना, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग न्यूक्लियो क्या है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड कंटेन है, ठीक है, अलग अलग है होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखो तो द बेसिक यूनिट ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, डीएनए और आरएनए आएगा। जो न्यूक्लियोटाइड है विच हैज थ्री कॉम्पोनेंट, इसके पास तीन कॉम्पोनेंट है, ठीक है, कितने कॉम्पोनेंट है, तीन कॉम्पोनेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, पहला क्या है, नाइट्रोजन बेस है। इस फर्स्ट इसमें क्या आता है, प्यूरिन्स में आएगा एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन से मिलके क्या बना है, तो प्यूरिन्स बना है। प्यूरिन्स में क्या क्या आएगा, तो एडेनिन और गुआनिन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पिरामिडिन्स, पिरामिडिन्स में आएगा साइटोसाइन्स और थाइनोसाइन्स और यूरेकिल्स, ठीक है। देखो पिरामिडिन्स में क्या आएगा, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन, ठीक है, ये तीन आएगा किसमें, पिरामिडिन्स में आएगा, ठीक है। अगर वहीं पे पेंटोज शुगर का बात करें तो पेंटोज शुगर में क्या आएगा, राइबोज आएगा, ठीक है, जो आरएनए है, और दो डिऑक्सिक राइबोज आएगा डीएनए, ठीक है, जो डीएनए और आरएनए में आएगा, ठीक है।
पेंटोज सुगर में क्या आएगा, आरएनए और डीएनए आएगा, ठीक है। प्यूरिन सारे सम इन बोथ डीएनए आरएनए, प्यूरिन्स के पास दोनों होगा, डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। साइटोसिन इन कॉमन टू बोथ आरएनए एंड डीएनए, साइटोसिन है वो बोथ है, दोनों में है, डीएनए में भी है और आरएनए में भी है, ठीक है। तो प्यूरिन्स भी किसमें है, डीएनए है आरएनए में है, साइटोसिन तो कॉमन है दोनों में होगा, आरएनए में भी और डीएनए में भी, ठीक है। और यूराक्लिक जो है वो किस रिप्लेस करेगा, थायमिन में क्या करेगा, रिप्लेस कर जाएगा, तो कौन, यूराक्लिक, यूराक्लिक जो है वो थायमिन में रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद 5-methyl यूराक्लिक इन अ डीएनए, देखो यूकेल यूराक्लिक जो है वो रिप्लेस विथ थायमिन में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास 5-methyl यूराक्लिक है, ठीक है, जो डीएनए डीएनए में है, ठीक है। थायमिन सॉरी यूकेरिक जो है यूकेरिक जो है वो रिप्लेस हो जाता है थायमिन में, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पास 5-methyl है, ठीक है, इसके कारण वो रिप्लेस हो जाता है और थायमिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस देखें तो वो लिंक्ड है, लिंक टू ओ एच 1C पेंटोज सुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइड्स लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो वो लिंक है, किससे लिंक है, तो ओ एच से लिंक है। जो पेंटोज सुगर है वो थ्रू किससे लिंकेज है, तो एन ग्लूकोसाइडिक से लिंकेज है, ठीक है। जो ये क्या बनाता है, तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है। पेंटोज सुगर से क्या निकलता है, तो एन एनकोसाइडिक निकलता है, जो क्या बनाता है, किससे लिंकेज है, तो न्यूक्लियोसाइड से लिंकेज है, ठीक है। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज अ लिंक टू ओ एच 5C ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू अ फॉस्फोस्टर लिंकेज टू कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। फॉस्फेट का बहुत सारे, फॉस्फेट का जो ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट का ग्रुप जो है वो लिंक होगा ओ एच में, 5C बनाएगा न्यूक्लियोसाइड, तो क्या बनाएगा, फॉस्फेस्टर बनाएगा, क्या बनाएगा, फॉस्फेस्टर बनाएगा। एक एक पेंटोज क्या बनाएगा, एन ग्लूकोसाइड बनाएगा और न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। फॉस्फेट ग्रुप का 5OH न्यूक्लियोसाइड क्या बनाएगा, फॉस्फेस्टर बनाएगा, जो किससे लिंक होगा, तो वो लिंक होगा न्यूक्लियोटाइड से लिंक होगा, ठीक है। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू अ 3-5 फॉस्फेस्टर लिंकेड टू अ डाई न्यूक्लियोटाइड। 3-5 जो फॉस्फोडाइस्टर है वो लिंक किससे है, तो डाई न्यूक्लियोटाइड से लिंक है, ठीक है। 3-5 जो है फॉस्फोस्टर वो किससे लिंक होगा, तो डाई न्यूक्लियोटाइड से लिंक होगा। अ मोर न्यूक्लियोसाइड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलर पॉलिटाइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बनाएगा, तो पॉलिटाइड्स बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, पॉलिटाइड बनाएगा। अ पॉलीमर दोज फॉर्म्ड हैज अ वन एंड ऑफ ए फ्री फॉस्फेट मिटोटिक 5 end of a sugar and at the other end of a polymer the sugar has a free OH in a 3 group. उसके बाद जो sugar है वो जो polymer है और sugar है वो क्या हो जाएगा, free space हो जाएगा, 3OH group में चल जाएगा, free space हो जाएगा, ठीक है। तो ये structure है किसका, polynucleated chain का structure है। देखो DNA double hexyl कैसे बनता है, DNA as an acidic substance present in the nucleus was a first identification by a Friedrich Messier in 1969 named is Klein. देखो first scientist है जो acidic substance दिए थे, acidic substance दिए थे जो present है, कहाँ present है, तो nucleus में present है, ठीक है, nucleus में present है। based on the X-ray diffraction data produced by a Morris Wilkins and Rosalind Franklin, Jason Watts and Francis Kurtz produced a very simple but famous double hexyl model in a DNA in 1953. कुछ साइंटिस्ट हैं जो 1953 में डबल हेक्सेल मॉडल को फेमस किए थे, डबल हेक्सेल डीएनए डबल हेक्सेल को मॉडल को क्या किए थे, फेमस किए थे, दिए थे, कब दिए थे, तो 1953 में दिए थे, ठीक है। किसके बेस्ड पे दिए थे, ये दिए थे एक्सरे के बेस्ड पे दिए थे, ठीक है। One hallmark on the helix is the best pair between the two strands based on the observation of Erwin Chargaff that for a double stranded DNA the ratios between A and T. देखो hexyl जो है वो किस चीज पे बेस्ड है, तो पेयर दो पेयर होता है, टू स्टैंडर्ड पेयर में होता है, ठीक है। देखो ये जो हेलिक्स है वो क्या है, बेस किस पे, पेयर ऑफ
बिटवीन टू स्टैंड, टू स्टैंड के बीच में ये पेयर होता है, तो जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या है, डबल डबल हेलिक्स डीएनए है, डबल डीएनए है, ए और टी के रेशियो के बीच में है और जी और सी के बीच में। ए और टी क्या हो गया, ए और टी हो गया एडिनिन, और किसके बीच में, ए एंड डी के बीच में इसका रेशियो है, ठीक है। टी में क्या होगा, थाइमीन। फिर उसके बाद क्या है, जी और सी, सी जी में क्या हो गया, ग्यूनाइन, ग्यूनाइन, और उसके बाद क्या आ गया, सी में क्या है, तो साइटोसिन, साइटोसिन। इसके बीच में, इसके रेशियो के बीच में दो स्टैंडर्ड को क्या किया गया है, इक्वली दो स्टैंडर्ड में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है, दो स्टैंडर्ड में रेशियो है इसका, ठीक है। द बेसिक पेयर पेयरिंग कॉन्फ्रेंस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीटाइड चेन। ये इस तरीके से ये कौन सा चेन बनाता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन के मिला के एक चेन बनता है जिसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, उसके बाद क्या है, इफ ईच स्टैंडर्ड ऑफ ए पेरेंटल डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्टैंडर्ड, द टू डबल स्टैंडर्ड डाउटेड डीएनए प्रोड्यूस कुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूलर। देखो उसके बाद क्या है, इसका जो ईच स्टैंड ऑफ ए पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल के पास डीएनए होता है जो सिंथेसिस करता है, वही डीएनए बच्चे में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सेम डीएनए किस में ट्रांसफर करेगा, तो सेम डीएनए बच्चों में ट्रांसफर कर जाता है, ठीक है। न्यू स्टैंडर्ड द टू डबल स्टैंडर्ड डाउटेड, इसमें डाउटेड डीएनए प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो आइडेंटिकल पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूलर होता है। जो कैसा मॉलिक्यूलर, कैसा पेरेंटल होता है, तो डीएनए मॉलिक्यूलर पेरेंटल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया।